तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं 12 चैप्टर के रिमेनिंग। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट नबीला यूजेस कनकेव मिरर व्हाइल अप्लाइंग द मेकअप। मिरर रेडियस इज 38 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 38 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब हमने फोकल लेंथ मालूम करनी है मिरर की। व्हाइल नबीला इज एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस है नबीला का ऑब्जेक्ट का वो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। अब और क्या मालूम करना है? मालूम करना है कि ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनता है इमेज की पोजीशन और इमेज की लोकेशन बतानी है, और वो बताना है कि अपराइट है या अपराइट नहीं है। तो अब इसको हम देखते हैं। तो अब इसमें देखें इमेज की लोकेशन हमने मालूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकल लेंथ मालूम करते हैं, और फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमें मालूम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के दरमियान जो रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू आर ओवर टू। तो यहां आर की वैल्यू सिंपल पुट कर देते हैं, फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई 19 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि इमेज की लोकेशन मालूम करते हैं, इमेज कहां पे मौजूद है। तो 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। वहां से हम 1 ओवर क्यू की वैल्यू मालूम करनी है। तो 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर पी। यहां अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। फोकल लेंथ हमारे पास है 19 और हमारे पास पी की वैल्यू है वो 50। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 950 और ये हमारे पास 1 ओवर क्यू। हमें क्यू की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 950 ओवर 31। 950 को 31 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इमेज की जो है वो पोजीशन आ जाएगी, और वो इमेज की जो है हमारे पास क्या है 30.64 सेंटीमीटर। तो इमेज जो बनेगा वो मिरर से जो है वो इतने फासले पर होगा, और ये क्या होगा क्योंकि इमेज पॉजिटिव है तो ये क्या होगा हमारे पास अपराइट होगा। द इमेज विल बी अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अ 4 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर अ कन्वेक्स लेंस। अब उसकी हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की? 4 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं, और उसका फोकल लेंथ विद फोकल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर जो है वो उसका फोकल लेंथ है। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब पी जो है वो हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज एंड द नेचर ऑफ इमेज। अब हमने उसकी नेचर भी बतानी है और ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन भी बतानी है, यानी कि क्यू भी हमने बताना है, हाइट ऑफ इमेज भी बतानी है और नेचर ऑफ इमेज भी बतानी है। तो अब देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मालूम करते हैं क्यू की वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू द लेंस इक्वेशन 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू। यहां पे हम कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं तो फोकल लेंथ क्या होगा उसका पॉजिटिव होगा,
तो यहां से 1 ओवर q की हम वैल्यू ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगी 1 ओवर f माइनस 1 ओवर p। वैल्यूज पुट करते हैं यहां पे 1 ओवर 8 माइनस 1 ओवर 12, तो हमारे पास 1 ओवर q की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर q है, तो q हमारे पास आ जाएगा 96 ओवर 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई कि वो कितने डिस्टेंस में वाके है, 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में वाके है। अब हम मालूम करते हैं हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ इमेज जो है वो इज इक्वल टू होता है q ओवर p। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, h नॉट की वैल्यू हमारे पास 4 और p की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो इनको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर, तो इससे हमने ऑब्जर्व किया है कि हाइट ऑफ इमेज देखें 8 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो जिस ऑब्जेक्ट की हम इमेज ले रहे हैं उसका इमेज जो है वो उससे बड़ा है, यानी कि ये क्या होगा हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज होगा। इसी तरह क्योंकि कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं हम, तो इसका जो इमेज बनेगा वो रियल भी होगा और इन्वर्टेड भी होगा। तो ये थी हमारे पास नेचर ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ इमेज और लोकेशन ऑफ इमेज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एन ऑब्जेक्ट हैविंग हाइट 10 सेंटीमीटर, अब इसमें देखें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, प्लेस बिफोर अ कंकेव लेंस। ठीक है, ध्यान में रखना है कि अब इसमें कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कंकेव लेंस यूज हो रहा है। प्लेस्ड बिफोर अ कंकेव लेंस एट 20 सेंटीमीटर, अब जो पी है वो क्या है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, having focal length of 15 centimeter, focal length कितनी है हमारे पास 15 centimeter। अब इसमें भी क्या ये मालूम करना है हमने location of image, position of image मालूम करनी है और nature of image, तो हमारे पास q मालूम करना है हमने और इसी तरह height of image भी मालूम करनी है। तो अब इसमें difference सिर्फ छोटा सा difference है last question से, इसमें जो फोकल लेंथ है वो कंकेव लेंस की यूज हो रही है, तो इसमें जो 15 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ जो है वो माइनस होगी क्योंकि हम इसमें कंकेव लेंस यूज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेंस इक्वेशन 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q, और 1 ओवर q है हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर f माइनस 1 ओवर p। वैल्यूज पुट करते हैं, 1 ओवर f की वैल्यू हमारे पास माइनस 15 है, तो माइनस 15 माइनस 1 ओवर 20, अब इनका एलसीएम लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 30, और इस तरह क्या आ जाएगा माइनस एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300, और इसी तरह तो 1 ओवर q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 35 ओवर 300, और इस तरह q जो है हमारे पास आ जाएगा
300/35। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इमेज की जो है वो लोकेशन आ जाएगी कि वो कितने डिस्टेंस पर मौजूद है, और वो क्या आ जाएगी हमारे पास -8.57। तो इससे देखें नेचर भी इसकी मालूम हो रही है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो इमेज क्या होगी वर्चुअल इमेज होगी। अब नेक्स्ट हम हाइट ऑफ इमेज मालूम करते हैं। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू Q/P, और हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू Q/P इनटू H नॉट। वैल्यूज पुट करते हैं, Q की वैल्यू हमारे पास मालूम है 8.57, इस तरह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मालूम है 10, और इस तरह डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 4.28। अब देखें नेचर क्या बनेगी इसकी, कि ये ऑब्जेक्ट से छोटी है या बड़ी है, तो क्लियर रिजल्ट आ रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर का है और उसकी जो हाइट ऑफ इमेज है वो 4.28 है, तो वो क्या है इससे छोटी है, तो इमेज क्या बनेगी इमेज जो है जाएगी वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से छोटी हासिल होगी।